झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इंटर की पढ़ाई पूरी करने के लिए डुमरी के नवाडीह के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में अपना नामांकन कराया है। जगन्नाथ महतो 10वीं पास हैं, जो शिक्षा मंत्री बनने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। मंत्री जी बता रहे हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नामांकन 11वीं क्लास में करवाया है। शिक्षा मंत्री पढ़ने के साथ नियमित कक्षाओं में भी जाएंगे और शिक्षा मंत्रालय को भी संचालन करेंगे। पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है और हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए थे उसी दिन कुछ लोगों को दिल में क्या लगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को आया कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है और उस जज्बा को बेहतर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी। झारखंड क्षेत्र में हम मैट्रिक 95 में गए, हम सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे, जनता का भी काम करेंगे, किसान का भी काम करेंगे, सब काम करते हुए जनता को प्रेरित कर देंगे कि सभी काम करो। हम उनको कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उस बात को टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कौन क्या बोला नहीं बोला उसका जवाब है। ये जवाब हम इंटर पास कर देंगे तो वही जवाब है। आज ही हम साइन किए हैं, अभी चाहिएगा तो हम दे देंगे आप लोग कॉपी। पूरे झारखंड में 4416 विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप पर आज ही साइन किए हैं और बेहतर शिक्षा के लिए किए हैं। बहुत जल्दी पूरे झारखंड में 4416 विद्यालय खुलने जा रहा है, मिडिल स्कूल के रूप में खुलेगा सारा व्यवस्था के साथ। इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होगा, जो CBSE पढ़ाए जो चाहेगा वो, जो जिस तरह बच्चा पढ़ने जाएगा उस तरह बच्चा पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाने का। खैर, मंत्री जी ने अपना नामांकन तो इंटर में करवा लिया है, लेकिन मंत्री जी किस तरह से मंत्रालय चलाएंगे इस पर सभी की नज़र है। मंत्री जगन्नाथ महतो या तो मंत्रालय बेहतर तरीके से चला पाएंगे या पढ़ाई ही कर पाएंगे, दोनों में से किसी एक के साथ ही न्याय कर पाएंगे। मंत्री जी ने अपने ही महाविद्यालय में अपना नामांकन कराया है ताकि उन्हें सुविधा हो सके। झारखंड अभिभावक संघ शिक्षा मंत्री को पढ़ने के लिए अवकाश पर जाने की सलाह दे रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का कल जो 11th में जो एडमिशन वो कराए, अच्छी बात है, उनको पूरी शुभकामना है। वो 11th कंप्लीट करे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, PG कंप्लीट करें, क्योंकि जितना भी डिग्री वो लेंगे वो उनके आगे का अनुभव में काम आएगा। लेकिन आज के समय में प्रश्न यह उठता है कि जब जगन्नाथ महतो जी एडमिशन ले चुके, अब वो क्लास करेंगे कि मंत्रालय चलाएंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या होगा, अब ये इस बात पर क्वेश्चन मार्क उठ गया है। और हमें ये लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी को भी सोचने की आवश्यकता है कि जगन्नाथ महतो जी को पूरा पढ़ने का समय दिया जाए ताकि कम से कम उनके पढ़ाई में मंत्रालय कहीं कोई बाधा न बने और वो अभी के समय में अब वो पढ़ाई करेंगे, अपना करियर आगे जो है उसको सिक्योर करेंगे कि मंत्रालय चलाएंगे। ये बात लोगों के बीच में अब चर्चा का विषय है, क्योंकि उनके जिम्मे, उनके मंत्रालय के जिम्मे अगर आप देखें तो क्लास 1 से लेकर के PG तक के पढ़ाई करने वाले जो भी स्कूल कॉलेज है सब उनके अंदर में है, और वहाँ पे जितने भी गुरु जो शिक्षक वहाँ पर हैं उनको किस हिसाब से वो टैकल करते हुए आ रहे हैं, आगे कैसे वो करेंगे, अब सवाल यह उठता है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी पहले शिक्षा मंत्री जी को पढ़ाई के लिए पूरा अवसर दें और मंत्रालय कई कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल के हाथों में दे ताकि कम से कम राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चुस्त और जिसे सुनकर मंत्री जी को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। सुना आपने, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को छुट्टी देने की बातें झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्रालय को ठीक से चलाने के लिए ही पढ़ाई करने का इरादा किया है, लेकिन जब शिक्षा मंत्रालय से ही उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छुट्टी कर देंगे तो ऐसे में जगन्नाथ महतो के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जिस मंत्री पद को पाने के लिए जगन्नाथ महतो ने अपने राजनीतिक जीवन के 30 वर्ष लगाए हैं, वह पढ़ाई के लिए हाथ से छूटेगा तो यही कहा जाएगा कि चौबे बनने गए थे छब्बे, लेकिन दूबे बनकर लौटे।
मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।